जीआरपीएफ की टीम ने 23 साल से फरार आरोपी कृष्ण सदाशिव राम टेके को गुप्त जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के इंदौर से हिरासत में लिया है। आरोपी पर कई तरह के गुनाह दर्ज है, ऐसी जानकारी जीआरपीएफ के पुलिस निरीक्षक विकास कानपिल्लेवार द्वारा दी गई है। फरार आरोपी विविध गुनाहों में लिप्त है। जीआरपीएफ की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी अमरावती जिले के अजनिता तहसील का निवासी है। पुलिस ने वहां जाकर खोजबीन की, लेकिन पुलिस को नाकामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को इंदौर से हिरासत में लिया। या बाबत आम्ही माहिती घेतली असता हा अजनी तालुका अमरावती इथे राहणार असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्यावरून आम्ही त्याचा शोध घेतला असता तो तिथे मिळून आला नाही, आणि गुप्त बातमीद्वारा जेव्हा माहिती मिळाली तर तो इंदौर येथे असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली। इंदौरला पाठवल्यानंतर तेथील चुनाव यादी, त्या चुनाव यादीचं जेव्हा विश्लेषण केल्यानंतर आरोपीचा ठाव ठिकाणा मिळून आला, मग त्या ठाव ठिकाण्यावर जाऊन आरोपीस ताब्यात घेऊन 29/6/2022 रोजी माननीय कोर्टात त्यांना पेश करण्यात आलेला आहे। 23 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में आखिरकार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।